दोस्तों, अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, आहार फाइबर और आवश्यक ओमेगा 3 फैटी एसिड उच्च होता है। ये सभी पोषक तत्व अखरोट के फायदे में योगदान करते हैं। अखरोट काले और भूरे रंग का होता है और दोनों किस्मों के स्वास्थ्य लाभ की एक विस्तृत श्रृंखला है। वे हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं, कैंसर के जोखिम को कम कर सकते हैं, मस्तिष्क कार्य का समर्थन कर सकते हैं और सूजन को कम कर सकते हैं। अखरोट को स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। तो चलिए आज हम आपको अखरोट खाने से होने वाले 20 फायदों के बारे में बताते हैं। नंबर 1, ओमेगा 3 फैटी एसिड के उच्च स्तर के कारण अखरोट हृदय प्रणाली के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। दिन में कुछ अखरोट खाने से भी रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए जाना जाता है। वे सूजन को कम करने और रक्त वाहिकाओं के कार्य को बढ़ावा देने में भी मदद करते हैं। नतीजतन, अखरोट हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है। नंबर 2, अखरोट ओमेगा 3 फैटी एसिड, पॉलीफेनोल्स और यूरोलिथिन जैसे पौधों के यौगिकों से भरपूर होते हैं। इन जैव सक्रिय घटकों में कैंसर रोधी गुण हो सकते हैं। अखरोट स्तन, कोलन और प्रोस्टेट जैसे कुछ प्रकार के कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। हर दिन कुछ अखरोट खाने से स्तन कैंसर के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। नंबर 3, अखरोट में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड दिमाग के लिए भी अच्छा होता है। आवश्यक फैटी एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने से संज्ञानात्मक गिरावट धीमी हो सकती है। बुजुर्गों पर किए गए एक अध्ययन में अखरोट के रोजाना सेवन से संज्ञानात्मक कार्य में सुधार देखा गया। नंबर 4, अस्थमा, गठिया और एक्जिमा जैसी सूजन संबंधी बीमारियों वाले व्यक्ति आवश्यक फैटी एसिड की उपस्थिति के कारण अखरोट से लाभ उठा सकते हैं। अखरोट सूजन से लड़ सकता है और कोरोनरी हृदय रोग के जोखिम को कम कर सकता है। अखरोट में मौजूद पॉलीफेनोल्स सूजन से भी लड़ने में मदद कर सकते हैं। नंबर 5, अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को स्वस्थ रखते हैं और बीमारियों की शुरुआत को रोकते हैं। रोजाना अपने आहार में कुछ अखरोट शामिल करें। अखरोट विटामिन और मिनरल जैसे कॉपर और विटामिन B6 से भरपूर होते हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। नंबर 6, अखरोट में एक आवश्यक फैटी एसिड होता है जिसे अल्फा लिनोलेनिक एसिड कहा जाता है। ये एसिड और इसके यौगिकों को मजबूत और स्वस्थ हड्डियों से जोड़ा गया है। अखरोट में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मदद कर सकता है। वे सूजन से लड़ने में मदद करते हैं और मनुष्यों में बाद में हड्डियों के पुनर्जीवन को कम करते हैं। नंबर 7, अखरोट में मेलाटोनिन होता है। ये यौगिक बेहतर नींद पैटर्न से जुड़ा है। ओमेगा 3 फैटी एसिड भी रक्तचाप को कम रख सकता है और तनाव को दूर करने में मदद कर सकता है। नंबर 8, रोजाना अखरोट खाने से गर्भवती महिलाओं को काफी फायदा हो सकता है। अखरोट में फोले, राइबोफ्लेविन और थियामिन जैसे स्वस्थ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह होते हैं। ये गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं। अखरोट में मौजूद फोलिक एसिड गर्भवती महिला और भ्रूण के लिए विशेष रूप से आवश्यक है। फोलिक एसिड में कई लाभकारी जैविक गुण होते हैं जो गर्भावस्था के दौरान मददगार हो सकते हैं। नंबर 9, अखरोट फाइबर से भरपूर होते हैं। पोषक तत्व आपके पाचन तंत्र को ठीक से काम करने में मदद करता है। सभी मनुष्यों को अपने पाचन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए दैनिक आधार पर फाइबर की आवश्यकता होती है। रोजाना अखरोट खाने से पाचन संबंधी समस्याएं कम होती हैं और आपकी आंतें ठीक से काम करती हैं। नंबर 10, काले अखरोट फंगल संक्रमण के इलाज में मदद कर सकते हैं। कैंडिडा की वृद्धि या तो पाचन तंत्र में या त्वचा पर अत्यधिक उत्तेजित हो सकती है। ये संक्रमण खुजली और अन्य एलर्जी सहित कई असहज लक्षण पैदा करते हैं। काले अखरोट फंगल संक्रमण के खिलाफ कुछ उपचारों की तरह प्रभावी हो सकते हैं। नंबर 11, अखरोट में फाइबर सिस्टम को साफ करने में मदद कर सकता है। पोषक तत्व हानिकारक परजीवियों को भी बाहर निकाल सकता है। अखरोट एक हेल्दी स्नैक हो सकता है, हालांकि उन्हें कम मात्रा में लें क्योंकि वे कुछ व्यक्तियों में एलर्जी भी पैदा कर सकते हैं। नंबर 12, अखरोट त्वचा के लिए अच्छे हो सकते हैं क्योंकि वे भी विटामिन से भरे होते हैं। ये विटामिन तनाव और इसलिए मूड को कम करने में मदद कर सकते हैं। कम तनाव का स्तर त्वचा के स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है।
तनाव के स्तर में वृद्धि से झुर्रियां और उम्र बढ़ने के अन्य लक्षण जल्दी शुरू हो सकते हैं। अखरोट में विटामिन ई तनाव के कारण होने वाले मुक्त कणों से लड़ने में मदद कर सकता है। ये उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में देरी करने में मदद कर सकता है। नंबर 13, गर्म अखरोट का तेल लगाने से शुष्क त्वचा को कम करने में मदद मिल सकती है। वास्तविक सबूत बताते हैं कि अखरोट का तेल त्वचा को नमीयुक्त बनाए रखने में मदद कर सकता है। यह त्वचा को भीतर से पोषण दे सकता है। नंबर 14, गर्म अखरोट के तेल के नियमित आवेदन से काले घेरे हल्के हो सकते हैं। तेल त्वचा को शांत कर सकता है, यह फुफ्फुस को भी कम कर सकता है और आपकी आंखों को आराम दे सकता है। नंबर 15, अखरोट आपकी त्वचा को भी चमकदार बना सकता है। इसके लिए आप फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आप एक बना सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। नंबर 16, अखरोट फैटी एसिड के अच्छे स्रोत हैं। ये बालों के रोम को मजबूत कर सकते हैं। अखरोट के तेल से अपने बालों के रंग और बनावट में सुधार किया जा सकता है। नंबर 17, अखरोट के तेल का व्यापक रूप से इसके मॉइस्चराइजिंग गुणों के लिए उपयोग किया जाता है। ये प्राकृतिक बालों के तेल को उत्तेजित करने और रूसी के इलाज में मदद कर सकता है। अखरोट के पत्तों के इथेनॉल के अर्क ने विरोधी भड़काऊ गतिविधि दिखाई थी। रूसी के इलाज के लिए भी पत्तियों का उपयोग किया जा सकता है। नंबर 18, अखरोट का तेल नियमित रूप से लगाने से आपके सिर की त्वचा में नमी बनी रहती है। ये रूसी के इलाज में मदद कर सकता है। अखरोट के तेल में एंटी फंगल गुण हो सकते हैं। ये दाद के कारण होने वाले संक्रमण को रोकने में भी मदद कर सकते हैं। नंबर 19, अखरोट की भूसी एक प्राकृतिक रंग एजेंट के रूप में कार्य कर सकती है। यह आपके बालों की प्राकृतिक हाइलाइट्स को बढ़ा सकता है। अखरोट के तेल में महत्वपूर्ण प्रोटीन बालों के रंग को बढ़ाने और बनाए रखने में भी मदद कर सकते हैं। और लास्ट है नंबर 20, अखरोट के तेल का नियमित उपयोग गंजेपन की संभावना को कम कर सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।